स्नेक कैचर के नाम से विख्यात माथुर धीमान ने एक बार फिर से दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा सांप को पकड़कर लोगों को सुरक्षित किया है। बता दें कि सुजानपुर के साथ लगती पंचायत आलमपुर जिला कांगड़ा में ब्लैक कोबरा ने लोगों को दहशत में डाला था। स्थानीय लोगों ने मौके पर स्नेक कैचर माथुर धीमान को बुलाकर उसका रेस्क्यू किया। स्नेक कैचर ने इस जहरीले कोबरा सांप को गड्ढे में उतर कर पकड़ा और सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया। अपने संदेश में स्नेक कैचर धीमान ने बताया कि पर्यावरण और जीव जंतु दोनों को बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इनके साथ ही संसार चलता है। ऐसे में सुरक्षित रहने के साथ साथ इन्हें भी सुरक्षित रखना है। इस काम के लिए कभी भी ऐसे बिना प्रशिक्षण से ना करें ताकि कोई बड़ी घटना घट सके। इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है और दिल दिमाग नज़र की जरूरत होती है। तो कभी भी मेरे साथी मेरी वीडियो देखकर ऐसा काम ना करें। तो धन्यवाद साथियों, राम राम, जियो और जीने दो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। आपको पता है हेलमेट का क्या मतलब होता है? H से हेड, E से ईयर्स, L से लिप्स, M से माउथ, E से आईज, T से टीथ। इन सभी अंगों को सड़क पर टू व्हीलर चलाते समय किसी भी दुर्घटना से सुरक्षित रखता है। टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। रैश ड्राइविंग, रॉन्ग ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग से बचे। सड़क के नियमों का पालन न करना कानूनन अपराध है। इसके लिए आपको सजा के साथ दंडनीय जुर्माना भी हो सकता है। रूट सेफ्टी सेल, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।